पहली बार फिल्म दिखाई जा रही है। ये इस फिल्म के प्रमोशन में हम करीब करीब 16-17 शहर में गए हैं और सभी शहरों में हमने पुलिस के ग्रुप से, पुलिस के महकमे से, चाहे वो ATS हो, चाहे महिला पुलिस हो, या पुलिस अफसर्स हो, या हायर लेवल के पुलिस अफसर्स हो, उनके साथ हमने चर्चा की है। उन्होंने गंगा जल देखी हुई थी, गंगा जल की चर्चा वहाँ हुई और गंगा जल के साथ में नई आने वाली फिल्म का ट्रेलर देखा लोगों ने। बदले हुए समाज में पुलिस और समाज के बीच में क्या संबंध है, उसके ऊपर फिल्म है। एकदम बबलू पांडे मध्य प्रांत का, हिंदी बेल्ट का एक हार्डकोर पॉलिटिशियन है जो बहुत चार्मिंग है, और उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये पहली बार इस तरीके का विलन देखने को मिलेगा जो जो हर्ट होता है, रोता है, वल्नरेबल है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये विलन। तो ये वैसा क्लिशे विलन नहीं जो अभी तक देखा गया है। फिल्म की जो कहानी होती है, जो डिमांड होती है, उसके हिसाब से कास्टिंग होती है। महिला पुलिस के किरदार में अजय देवगन को तो मैं नहीं लेके आ सकता था, कितना भी मेकअप करता तो बड़ा मुश्किल होता कन्विंस करना। तो महिला पुलिस के किरदार में वही ऑफिसर मेरी कहानी की डिमांड है, तो महिला को ही लाना पड़ेगा ना। नहीं नहीं अभी बिल्कुल नहीं, अभी तो अभी के सारी चीज़ें तो समाहित हो ही गई। अब फिर कभी कुछ ऐसा लगा कि समाज बदला है या पुलिस के संबंध ऐसे बदले हैं या कोई नई कहानी आई है, क्योंकि मैं सीक्वल नहीं बनाता हूँ। सीक्वल बनाता तो एक दूसरे एक साल दो साल के बाद उस कहानी को आगे बढ़ाता। ये नई कहानी है, नए समाज के परिप्रेक्ष्य में पुलिस समाज के, पुलिस और समाज के संबंध है, उस पर आधारित ये कहानी है। फिर ऐसा कुछ होगा तो देखा जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।